गढ़ी मलेरा के ग्राम गौर के रहने वाले ओम प्रकाश देवालिया ने मध्यांचल ग्रामीण बैंक शाखा गढ़ी मलेरा के मैनेजर पर 70,000 रुपए हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। ऋणदाता ने बताया है कि किसान कार्ड मेरी मां के नाम खोला गया था, जिससे बैंक मैनेजर ने 70,000 रुपए ले लिए थे, जिसकी रसीद नहीं दी थी। रकम दो खाते बंद और ऋण चुकाने के लिए दिए थे। इस बात को लेकर ओम प्रकाश ने मध्यांचल ग्रामीण बैंक छतरपुर में भी शिकायत दर्ज कराते हुए जांच की मांग की। ओम प्रकाश का कहना है, बैंक मैनेजर के खिलाफ कई सबूत मेरे पास हैं जो मैं पेश कर सकता हूँ। तो हमने उठा दस्तखत करे, बोले ठीक, हमने साहब ऋण मुक्त कर दो, बोले ठीक है। तो साहब ने हमसे 70,000 रुपए, हमने साहब कसी पैसा चाहूँ नहीं, बोले ठीक है 30,000 रुपए तुम ले लो, 30,000 हमें दे, 70,000 जमा कर लें। इसके बाद हमने कई साहब कच्ची दिन पर रसीद दे दो, बोले रसीद मिल जाएगी, जब छूट आ जाएगी तो रसीद मिलेगी। फिर आए साहब हम, तो उन्होंने प्रमाण पत्र बना दिया कि आप इस खाते से ऋण मुक्त किए जाते हैं, इस खाते का आप बकाया, हमने साहब उसी में क्यों नहीं काटा, बोले उसमें नहीं चुकता था आपका पैसा। तो मैंने साहब फिर जमा किए पैसे, कितने जमा किए, 20,000 रुपये, उसकी हमको रसीद दे दी। और सब बार बार रसीद मांगी हमने, आवेदन छतरपुर में ही लगा दिया, तो बोले जांच होगी, तो सर 31 तारीख को लगा दिया, आज तक कोई जांच नहीं हुई। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर की कार्रवाई हो जी। गढ़ी मलेरा के मैनेजर, बैंक मैनेजर हैं जो। कहाँ के रहने वाले हैं? जी सर, गौर है, गढ़ी मलेरा 3 किलोमीटर। वहीं मध्यांचल बैंक के मैनेजर ने ओम प्रकाश द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए अपनी अलग दलील दी है। देखिए, कैश भी कोई हो, कैश जमा करता तुरंत उसकी पावती दे दी जाती है, और पावती तुरंत दे दी जाती है। साथ में क्या, वो डिफाल्टर थे, उनके पास मतलब बहुत बड़े डिफाल्टर हैं वो, काफ़ी पुराने 10 सालों से उनका खाता डिफाल्टर चल रहा है, और उन्हें जो भी जमा के उन्होंने आवेदन भी दिया है, जो भी राशि जो उन्होंने जमा की है, हम प्रॉपर उसका लिखित में जवाब देंगे। उन्होंने RTI भी लगाई है, उसका भी हम प्रॉपर जवाब दे देंगे। तो ये सब जो उन्होंने कहा है, तो इसको क्या माना जाए कि गलत उन्होंने बोला, ये किस तरीके का है? नहीं, बैंक रिकॉर्ड अनुसार 70,000 कहीं नहीं जमा है उनके। अगर वो कह रहे हैं 70,000 रुपये, तो 70,000 कहीं नहीं जमा है, थोड़े थोड़े अमाउंट 3-4 अकाउंट में, उनके 3 अकाउंट में जमा हुए हैं।